बस अब उधर उधर आप चल नहीं सकती। मेरे को पांव में दोनों पांव खराब है। आपके पांव खराब है? हां दोनों के पांव खराब है। ये वैसे कि कभी बिल्कुल अंधा हो रहा। आपको दिखता नहीं? कितने सालों से नहीं दिखता? 2-3 साल। चला या लड़की है? मेरा ये लड़का है जी। चलो ये लड़का है या लड़की है देखे फिर। अच्छा ये बेटी है आपकी? हां। अच्छा अच्छा तो आप किस समाज से हैं? आप हरिजन हैं आप? अच्छा तो कुछ सुविधा सरकार की तरफ से कोई सुविधा मिली नहीं मिली? कुछ आता है? नहीं कुछ नहीं मिला। अच्छा तो नामकिन मिली मतलब कोई सरकार तो कहाँ देगी। अच्छा तो आप जैसे आपको दिखता नहीं तो पेंशन वेंशन? नहीं जी कुछ नहीं। क्या नाम है बाबूजी आपका? आधार कार्ड में तो वेदपाल बोल रहे हैं। वेदपाल? हाँ जी। अच्छा ये वैसे वेदू कह रहे सिद्धा। अच्छा कमाने वाला कोई नहीं है? कोई नहीं है। बच्चे का तो नहीं है, लड़का या लड़की है कोई नहीं है। हम तो खेल रही है। अच्छा हमें देखो कितनी परेशानी है, हम कितने बोलेंगे। तो घर का खर्चा कैसे चलता है जब कोई कमाने वाला नहीं? खर्चा बस अगर पड़ोस देना, कोई अगर पड़ोस वाला ही खून देव लगे पोलियो आपके पैरों में? तो किसी कोई मुआवजा वगैरह नहीं बांधा इनका कुछ? नहीं कितनी उम्र है बाबूजी आपकी? 40 साल। तो बस जो कोई दे देता है तो खा लेते हो? और ये बच्चे जब भूखे होते तो कैसे करते हो? क्या कर रहे हो उधर उधर खा ले ये हमारा बदलता हुआ भारत है। ये डिजिटल भारत की एक तस्वीर है जो कोई नहीं दिखा सकता। ये भी असलियत है भारत की कि ऐसे ऐसे लोग हमारे समाज में हैं, हमारे गांव में हैं, दूर दराज इलाकों में हैं। ये क्या नाम है आपका? वेदपाल भाई हैं और SC कास्ट बोलते हैं। 3-4 साल पहले इनकी आँखों कैसी होती है? आँख खराब आपकी? ये बचपन से थी वैसे और एक से दिखा था। आप बिल्कुल नहीं दिखता आपको? तो ऐसे बैठे रहे तो लाइटिंग भी नहीं जाए जाता खुद में। आपकी जो बच्ची है सब पढ़ाने को फीस अभी नहीं है, जैसे पढ़ा ला सबके सब का जी करा बच्चे को पढ़ाने को, या लड़की खड़ी पढ़ाई भी नहीं जाती। मैडम की मामा तो अक्सर पढ़ लिया तो पढ़ा ला जी फीस ही नहीं है। ये बच्चा आया और घर में चल रहा हूँ। तो ये आपकी बेटी का? हाँ या पढ़ाई नहीं अब तक किसे अपना ना पढ़ाई जी कुकर पढ़ाओ जी फीस ही नहीं है। पता कुकर पढ़ा लूँ मैं तो सरकारी स्कूल में डालने तो आधार कार्ड बनाओ ना, सरकारी में थोड़े पैसे लगते हैं। आधार वो पत्रकार हैं यहाँ पे बहुत बड़े पत्रकार हैं दैनिक जागरण से है ना, वो आपकी हेल्प करेंगे इन बच्चों के। सर हो सके तो एडमिशन करा दीजिए ना। एडमिशन को ढूंढते फिर स्कूल वाले तो सरकारी स्कूल वाले ढूंढते फिर बच्चों को पढ़ाने के लिए। लड़की आपके घर का खर्चा चलाती है? हाँ जी वो थोड़ा बहुत है पैसे में, कोई पंखा कभी दे दे कभी ना दे। अच्छा हर महीने कितना बाबूजी कितना आपको, अगर हर महीने हम आपको 1000 रुपये भेज दें कर लोगे खर्चा अपना? नहीं पूरा काम वही अब तो खुद चलाने पड़ रहा जी और क्या करें। कैसे चलता है घर का खर्चा? एक दूसरे से मांग के ही है। अकाउंट नंबर है तुम्हारा? हाँ जी हरकत में हो जाए बच्चे इसकी दवाई नहीं आपत्ति। दवाई नहीं आपत्ति चलो कोई बात नहीं। ये हमारी बहन है और ये भी उसी गांव से है जिस गांव की मैंने आपसे पहले एक बाबा की मैंने वीडियो डाली थी। और बिराल गांव है ये बागपत
बड़ोस से आगे जाके कासिमपुर बिराल है, अगर आप बाबा की मदद करने के लिए आते हो तो इन भाई के लिए, इन भाई के पास जरूर आना। वेद प्रकाश नाम इनका, वेदपाल इनका नाम है, और इनको बेहद ज़रूरत है आपकी मदद की। दो बच्चे हैं, कि ये बेटे हैं, एक बेटी है, उनकी जो वाइफ है उनको पैरों में दिक्कत है और इतनी परेशानी है कि खाने की भी लाले रहते हैं, कभी मिल जाता है खाने को, कभी नहीं मिलता। बाबूजी अभी हम थोड़े से आपको मदद करेंगे, जो हमसे थोड़ी बहुत मदद होगी आप अभी तो हमसे ले लो, उसके बाद में लीजिए। ये 5000 रुपये है ना, ठीक है मैम, 5000 में आप राशन वगैरह रख लेना, अपने घर का राशन वगैरह को रख लेना, और इन बच्चों को एडमिशन कराओ इनका, और जो भी हमसे मदद होगी फिर दोबारा से मदद करेंगे आपके, ना आपका एक खाता नंबर हम डालेंगे उसमें, ठीक है मैम। तो अपना मोबाइल नंबर है तुम्हारे पास कोई? ना जी, मोबाइल तो है। अच्छा ठीक है मैम, खुश रहो अपने बच्चों में, और फिर बहुत लोग मदद करेंगे बाबू जी।